नमस्कार दोस्तों, आज हम रशिया के इवानोवा स्टेट मेडिकल एकेडमी के हॉस्टल में हैं और आज हमारे साथ हरिकेश शर्मा हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, जो कि अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे 3 साल का। तो आप बताएं। हेलो, मेरा नाम हरिकेश शर्मा है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैंने 2018 में यहाँ पे ज्वाइन किया है। और हॉस्टल लाइफ की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, अच्छा रूम है, खुद का सेपरेट रूम मिलता है, सेपरेट लेट बाथ मिलते हैं यहाँ पे, एक खुद का फ्रिज मिलता है और अलमीरा, चेयर, सब कुछ। जो अपने स्टडी वाइज अगर अपन देखें हॉस्टल तो काफ़ी अच्छा है, मतलब दिक्कत नहीं होती, कोई भी परेशानी नहीं होती है। और अपन बात करें अगर लेट बाथ की बात करें हाइजीनिक तौर पर, वो काफ़ी अच्छा होता है, सफाई होती है। अगर किचन की बात करें, किचन सेपरेट किचन मिलता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की को दिक्कत नहीं होती, वेज का अलग वो हॉस्टल होता है, सॉरी वेज का अलग किचन होता है, नॉन वेज का अलग किचन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती उनको यहाँ पे, तो काफ़ी हॉस्टल लाइफ काफ़ी अच्छी है। ओके। और आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, कैसा क्या है? एजुकेशन वाइज देखें तो काफ़ी ज़्यादा सही रहा है, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टीचर्स काफ़ी इंग्लिश में बोलते हैं, अच्छे समझने वाली इंग्लिश में बोलते हैं, समझ आ जाती है, क्योंकि अपने एनाट में भी क्लियर किया है। तो जैसे इंडिया में बोलते हैं कि बाहर जो रशिया में पढ़ते हैं उसको डमीज से पढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं सीन नहीं है, हमको रियल ऑर्गन्स मिले हैं, रियल बोन्स मिली है, टीचर्स ने हमको एकदम अच्छे से समझाया है वहाँ पे, ऑर्गन्स सब एक ऑर्गन सबको समझाया है। 15 बच्चे होते हैं क्लास में, तो सबको आसानी से सीखने को मौका मिलता है, ऐसा नहीं बॉडी वगैरह अवेलेबल होती है, कुछ बॉडी भी मिलती है और ऑर्गन तक मिलते हैं, हर एक ऑर्गन दिखाया जाता है, हर बोन दिखाई जाती है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है एजुकेशन में। अगर अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, हिस्टोलॉजी वगैरह, उनमें भी काफ़ी अच्छा एजुकेशन रहा है, मतलब अच्छा सीखने को मिला। ओके, और यहाँ सिटी का क्लाइमेट वगैरह कैसा रहता है इस बारे में? क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा ठंड तो वैसे रशिया में पड़ती है सबको पता है, पर अगर नॉर्थ से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सही है यहाँ पे, इतना -20 या -10 तक रहता है, वो अपन बियरेबल अपन आराम से रह सकते हैं, जैकेट्स वगैरह पहनने कोई दिक्कत नहीं होती। अगर गर्मी की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे, समर है यहाँ पर, बहुत अच्छा पूरा ग्रीनरी सिस्टम है, अच्छा क्लाइमेट अच्छा। तो बाहर का क्लाइमेट का कुछ इफेक्ट होता है हॉस्टल में? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पूरे हॉस्टल में हीटर्स लगे हुए हैं तो और ब्लैंकेट्स हॉस्टल से अवेलेबल होती है, तो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता। ओके, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसा है यहाँ पूरा? मैं मेरी यूनिवर्सिटी इवानोवा स्टेट मेडिकल एकेडमी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। थैंक्स।